भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सत्य की राजनीति करती है, सत्य ही धर्म है, कांग्रेस असत्य की राजनीति करती है। भूपेश बघेल का डीएनए ही रामद्रोही है, कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी है। इसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस द्वारा जारी बुकलेट में राम मंदिर पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस वोट लेने के लिए काल नेमी की तरह राम राम जपती है और तब भी उसका विद्रूप चेहरा उसके दस्तावेज के रूप में सामने आ जाता है। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हिंदू विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। काल नेमी कांग्रेस को जनता रूपी हनुमान की गदा पड़ने वाली है। भूपेश बघेल जी का चेहरा बेआबरू हो गया है, बेनकाब हो गया है, और जो उनके पिताजी का डीएनए उनके में है वो सामने आ गया है कि उनके पिता ने भी माता सीता और प्रभु राम के बारे में अभद्र शब्द कहे थे। अब कांग्रेस के जो बीजेपी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने प्रभु राम के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में बातें कही हैं, और इससे अब यह साबित हो गया है कि भूपेश बघेल जी ना प्रभु राम का आदर करते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं, ना कौशल्या का आनंद सम्मान करते हैं, ना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। वो राम राम कालनेमी के रूप में, तारका के रूप में जनता रूपी हनुमान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इसका जवाब पूरे तरीके से देगी। ये कांग्रेस के आरोप पत्र के 82 और 83 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए, धन्यवाद।